का पेड़ आप क्लियर हैं, श्योर हैं? क्या मतलब छाड़ क्या है ये? हमारे कैंडिडेट लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सही से बोलिए क्या नाम है? प्रधानमंत्री। साइंस जो पढ़ते हैं उसके अंदर तीन बुक आती है, तीनों का नाम इतिहास बायोलॉजी। राष्ट्रीय फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? आज का हमारा गेम का ये आखिरी फेज रहेगा यानी कि थर्ड फेज, और थर्ड फेज का पहला क्वेश्चन हम इनसे पूछने वाले हैं। थर्ड फेज का फर्स्ट कैंडिडेट आयुष सर, आपके सामने में इंटरव्यू में आपको दिया है। गाइस अब देखते हैं हम और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, हम पूछते हैं जीएस में। इसमें भी वही रूल रहेगा, तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहां तक ये आंसर दे पाते हैं, ठीक है गाइस? चलिए पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है? चलिए आप बताइए हमें, सूर्य में कितने किरणें मौजूद होती है? गाइस ये क्लास 5 के स्टूडेंट है ना, है ना? क्लास 5 के स्टूडेंट है तो सूर्य में कितने रंग होती है बता ही गया होगा, जो विकिरण हमारा होता है उसके अनुसार। क्या कितने किरणें होती है सूर्य में? दो किरणें बताया जा रहा है ये अनुसार। आप आंसर यही रखेंगे? हाँ। तो इनका आंसर फाइनली गाइस दो कलर रहा है, हालांकि कुछ थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं हमें, हो सकता है कुछ अलग भी आंसर हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, आप बताइए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर ठीक ढंग से दे, हमारे ऑडियंस सुन नहीं पाए। कितने? 206। ओ गाइस 206 बोल रहे हैं। क्या आप आंसर चेंज करना चाहेंगे? यही रहेगा। चलिए गाइस 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में, मेरे नजर से राइट आंसर, आप कमेंट करके बता दें क्या रॉन्ग राइट या रॉन्ग। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, थर्ड और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा ये फर्स्ट कैंडिडेट का। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहा, आप ये बताइए कोई भी एक हमारे स्थल पर रहने वाले जीव का नाम बताइए। हमने पूछा स्थल पर रहने वाले एक जीव का नाम बताइए, जीव जंतु जो भी है वो स्थल पर रहते हैं उसका नाम बताइए। थोड़ा जोर से बोले, हमारे ऑडियंस सुन नहीं पा रहे। चलिए ठीक है डॉग कैट दो इन्होंने बोल दिया। स्थल पर आने वाले हमारे दो जीव होते हैं, जैसा कि आपको पता है भूमि स्थल का मतलब भूमि होता है, तो भूमि पर आने वाले हमारे जो जीव जंतु होते हैं उसका नाम ले लीजिए, वही चीज हुआ। चलिए थर्ड पेज में इनका बहुत अच्छा ही रहा परफॉर्मेंस इनका। चलिए अब शुभकामनाएं करते हैं फ्यूचर में अच्छा कर पाए, हालांकि सभी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा इनका, तीनों के तीनों फेज में इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस फिर मिलेंगे फिर हम सेकेंड कैंडिडेट जो कि हमारे थर्ड पेज के लिए आएंगे। फेज 3 के लिए सेकेंड कैंडिडेट ये हमारे विवेक कुमार, जैसा कि आपको इंट्रो भी हो चुका है और दो फेज में इनको आपने देख लिया है, दोनों फेज में इनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा था और ये आखिरी फेज इनके लिए है। चलिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि जीएस का है, यानी कि साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे, तीन क्वेश्चंस होंगे, जैसा हमारा सेम प्रोसेस था जीके का उसी तरह से जीएस का भी होगा। चलिए हम इनसे पूछते हैं, पहला क्वेश्चन इनके सामने स्क्रीन के सामने में ये रहा, पहला क्वेश्चन ये है कि चलिए आप हमें ये बता दीजिए कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? सूर्य की प्रकाश, हवा, पानी, खनिज लवण। चलिए इनका आंसर लगभग साइंटिफिकल तौर पे सही है, हालांकि राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है, नाम पता है आपको? नाम नहीं पता तो गाइस हम तो इन समय पे देने वाले हैं। चलिए गाइस तो ये रहा इनका, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है मनुष्य शरीर में, शायद मेरे अनुसार से सही आंसर है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर रॉन्ग होगा तो हम मिलते हैं फिर हम थर्ड क्वेश्चन से इनसे पूछते हैं, थर्ड और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें ये बता दीजिए कि ऐसा दो जीव का नाम बताइए जो स्थल और जल ये दोनों में रहे। मेढक और मगरमच्छ, इनका आंसर है, क्या ये सही आंसर है? तो उनके अनुसार ये सही बोल रहे हैं, सर गाइस मेरे हिसाब से भी सही लग रहा है, आप कमेंट करके बता देंगे रॉन्ग है तो। तो गाइस हम मिलते फिर अगले एक कैंडिडेट से, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तीनों फेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद करते हैं भविष्य अच्छा। चलिए तो गाइस हमारे साथ तो ये थर्ड फेज में आ गए हैं प्रिंस, ठीक है? प्रिंस जैसा कि आपको इंट्रो हो भी चुका है, दो फेज में नजर आए भी है, इनका लगभग अच्छा ही रहा है, परफॉर्मेंस एवरेज में रहा है और इनका ये आखिरी
तेज है और क्वेश्चन इसमें जैसा कि इनको पता ही है, आपको बता देते हैं कि जीएस से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो तीनों का क्वेश्चन को आपको जो भी आंसर है उसका जवाब देना है, जितना आता है आप अपने अनुसार से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका पहला क्वेश्चन ये रहा जीएस से कि आप हमें ये बता दीजिए, वैसे दो जीवों का नाम बताइए जो केवल और केवल जल में ही रहता हो। ठीक से बोलिए, जोर से बोलिए आंसर। चलिए, इनका आंसर आ रहा है मछली और झींगा, ये बोल रहे हैं आप, क्या आंसर यही रहेगा? ये रहेगा। चलिए गाइस, तो ये आंसर बोल रहे हैं मछली और झींगा। चलिए आंसर को लॉक करते हैं, अगर गलत होगा तो आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, उनके सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आप हमें ये बता दीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या? रतौंधी। क्या ठीक से बोलिए? रतौंधी बोल रहे हैं शायद, रतौंधी क्या बोल रहे हैं? चलिए रतौंधी बोल रहे हैं। तो गाइज, क्या आंसर सही है गलत है ये आप डिसाइड करेंगे, हमारे आंसर दिए सही आंसर। चलिए गाइज, हम मिलते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन प्रिंस से रहेगा हमारा, ये फेज थ्री का ये लास्ट क्वेश्चन। हम ये बताइए, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है? ठीक से बोलिए, बोलिए। चलिए गाइस, इनका प्रकाश के परिवर्तन के कारण बोल रहे हैं। हालांकि इसके अनुसार आप ये बता सकते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग मौजूद होती हैं? कितना कितने रंग? चलिए 7 रंग मौजूद होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इनका तीनों का तीनों क्वेश्चन ही लगभग सही रहा है। चलिए गाइस, हम मिलते हैं फिर अगले हमारे जो कैंडिडेट है। चलिए, तो गाइस हमारे फेज थ्री में मौजूद है आर्यन, जैसा कि आप इनको देख भी सकते हैं, आपके सामने में स्क्रीन के सामने है, और स्क्रीन के सामने का क्वेश्चन आएगा नंबर 1 है, जो कि जीएस से पूछा जाएगा। तीन क्वेश्चन, और तीनों में आपको जो भी आता है जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आप ये बता दीजिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बता दीजिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। क्या बोले? ठीक से बोलिए, घेंघा रोग। चलिए बोले घेंघा रोग होता है विटामिन बी की कमी से। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ये आंसर होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा इनसे कि प्रकाश के परावर्तन के ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कितने नियम? दो नियम है। तो गाइज, ये हमारे अनुसार से आंसर सही लग रहा है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जैसा कि आपने फिजिक्स के लेवल पर पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। चलिए गाइज, हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्या होता है। चलिए आप ये बता दीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन H2। ठीक से बोले, मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ठीक से सुन लीजिए, आप पर अपना जवाब जल्दी से प्रस्तुत करें कि हमारे ऑडियंस सुनने के लिए बेकरार बोले। H2। तो गाइस, थोड़े से हमें गड़बड़ लग रहा है आंसर, आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सही आंसर है, आप कमेंट करके बता दीजिए। आपके स्क्रीन के सामने राइट आंसर लिख दिया था। तो फेज थ्री में भी इनका एवरेज रहा परफॉर्मेंस, लगभग सभी के सभी फेजेज में अच्छा रहा, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि अगले फ्यूचर में अच्छा करें। चलिए हम मिलते हैं फिर लास्ट हमारे ऑडियंस। तो हमारे साथ मौजूद है छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक, जो कि हमारे लास्ट ऑडियंस है। इनका नाम छोटू है, मुस्कुराहट देखिए, फूले नहीं समा रहे हैं, ये एक हमारे मुहावरे हैं। चलिए गाइस, चलिए ये हंसी की फुहार इनके ऊपर बरस गई है, और ऑडियंस भी हंस पड़ेंगे इसको देखकर। चलिए हम बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जीएस का, यानी कि तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जीएस यानी कि साइंस, यानी कि विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान समझ गए, ये हमारे थ्री के हैं, क्लास थ्री के बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। चलिए आप ये बता दीजिए हमें, ठीक है, कि वैसे दो पशु का नाम बताइए जो अंडे देती है, ठीक है, वो पशु का नाम बताइए जो अंडे देती है, ठीक है। तो गाइस, हेन और पीकॉक इनका आंसर रहा है, मेरे अनुसार से सही आंसर है, और आप कमेंट करके बता दीजिए अगर ये रॉन्ग आंसर है तो। चलिए गाइस, बढ़ते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहा कि आप ये बता दीजिए हमें कि वैसे वो जीव जो केवल और केवल मांस खाते हैं, यानी कि मांसाहारी हो, वैसे दो जीव के नाम बता दीजिए। मतलब कि वैसे दो जीव जंतु के जो भी है, जीव जंतु पशु मान लीजिए ना, तो पशु का नाम बताना है आपको जो केवल और केवल मांस खाते हैं, यानी कि मांसाहारी पशु है, वो बताइए।
नाम बोलना है आपको, उस पशु का नाम बोलना है कि दो पशु का नाम बोले जो केवल केवल मांस खाती है, मांसाहारी है। तो फाइनली गाइस कुछ हमने कंफ्यूजन लग रहा है इनको, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इनसे पूछते हैं तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। इनका जवाब जो था वो था लगभग, क्या था जवाब आपका, फिर से बोल दीजिए, लास्ट चांस है आपके पास, बोलिए लास्ट क्वेश्चन, जवाब बोलिए जल्दी। छोड़िए गाइस इनका जो भी जवाब रहा, हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर और इस शेड्यूल को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा कि मैं ये बता दीजिए, पालतू जीव, जो पालतू जीव होते हैं ना, वो दो नाम बता दीजिए पालतू जीव का, जो हम घर में पाल कर रखते हैं अपने, उसके साथ खेल कूद करते हैं, डॉग कैट। चलिए गाइस इनका अच्छा आंसर है, डॉग का हिंदी और इंग्लिश आप जानते ही हैं, उसके बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा सारा का सारा शेड्यूल और छोटू का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इनके सेकंड क्लास के मुकाबले हमने पूछा और सारा का सारा शेड्यूल इनका अच्छा ही रहा। तो गाइस ये कैसा लगा शेड्यूल आप जरूर बताइएगा, हमने कोशिश किया कि हमारे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे हम इनका नॉलेज का कुछ टेस्ट ले लिया जाए, जिसके क्यूज के थ्रू जो उनको भी कुछ अच्छा लगे और अच्छा फील हो। तो आपको कैसा लगा शेड्यूल जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन वगैरह, जो भी थोड़े बहुत जो इनसे मिस्टेक्स हुए उसको इग्नोर करते हुए आप इनके छोटे बच्चे समझकर माफ कीजिएगा और इनके भविष्य कामना आप भी कीजिएगा। हम तो करते ही हैं कि ये आगे अच्छे करें, अच्छे बढ़े, पढ़े लिखे और महान बने और देश को भी आगे बढ़ाएं। तो गाइज इसके साथ शेड्यूल को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, आपके साथ ही हम रहेंगे हमेशा, तो हमारे साथ बने रहें, मिलते फिर अगले वीडियो में, तो अगले बम बम बोले गाइज, बम बम बोले।